हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। तो आप अभी देख रहे होंगे कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे चार AIR1 है और चार लोगों का हम लोग दिए भी है और हर जगह यूट्यूब में देखने को भी मिलता है। और इस बार भी कल्पित अग्रवाल का AIR1 है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो आप देख रहे होंगे 2017 में शिवम सिंह इलेक्ट्रिकल दिख रहा होगा आपको AIR1। उसके बाद अर्नब अधिकारी जो था वो 2018 इलेक्ट्रॉनिक्स AIR1, 2019 रजत सोनी AIR1, और उसके बाद अभी कल्पित अग्रवाल इलेक्ट्रॉनिक्स 2020 AIR1। चार AIR1 दिख रहे होंगे। और ये AIR1 की स्टोरी बड़ी डिफरेंट होती है क्योंकि इंडिया में ना AIR1 को बड़ा अलग लेवल में लेते हैं। तो ठीक है, वी आर लकी कि हमारे पास AIR1 इस वे में आए। अगर मैं स्टोरी स्टार्ट करूँ शिवम सिंह से, पहली बार जब AIR1 आया था तो शिवम सिंह जो था वो मैं यूट्यूब में इतने वीडियोज़ उसके रखे हुए, वन ऑफ द फेमस पर्सन हो चुका है क्योंकि मतलब इतना उसका वायरल हुआ था वीडियो। तो वो गेट एकेडमी में स्टूडेंट था, गेट एकेडमी का स्टूडेंट था, NIT रायपुर से पढ़ता था, गेट एकेडमी रायपुर का स्टूडेंट था। क्लासरूम में हम लोग पढ़ाए हैं, पूरा 1-to-1 ऐसे पढ़ाए हैं, ऐसा भी नहीं कि एक दो क्लास पढ़ाए, पूरा पढ़ाए। उसके बाद उसका 800 समथिंग कुछ रैंक आया था, फिर वो MEDIGI गया, ड्रॉप लिया, उसके बाद AIR1 आया। तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि हमारा उसमें एफर्ट नहीं था, हम 2 साल पढ़ाए थे, उसके बाद MEDIGI में 1 साल पढ़ा और वो भी गेट ESC की प्रिपरेशन करने गया था। आप अगर पूरा वीडियोज़ पूरा इंटरव्यू सुनोगे तो आपको दिखेगा कि क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था और हम कितने रिस्पॉन्सिबल दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अर्नब अधिकारी की, तो उसका भी इंटरव्यू गेट एकेडमी में है क्योंकि वो गेट एकेडमी की टेस्ट सीरीज लिया था और एस एकेडमी की टेस्ट सीरीज लिया था और किसी का भी ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं था या ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं था, सिर्फ टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट था और गेट एकेडमी की वीडियो को फॉलो करता था। और वो खुद ही हमको बताया था कि मैं टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट हूँ, फिर हम लिस्ट निकाले थे तो मिला था और आप पूरे वीडियोज में देख सकते हो। तो मैं कभी भी नहीं बोला कि अर्नब अधिकारी हमारे क्लासरूम का स्टूडेंट है, ऐसा कभी भी नहीं बोला, हम वीडियोज में कभी ऐसी बात नहीं करते। फिर 2019 जो है रजत सोनी, ये MEDIGI का स्टूडेंट क्लासरूम स्टूडेंट्स रहा है। उसके बाद हमारे टेस्ट सीरीज का ये स्टूडेंट्स रहा है, तो हम बोले भी कि टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट्स है, गेट एकेडमी को बड़ा फॉलो करता है, मेरे से अच्छा कनेक्शन है, मेरे से अच्छी बात होती है, मेरे से बात इन जनरल होते रहती है। तो इसके वीडियोस में भी जो भी था वो गुरु जब सुजय सर लिए थे तो ये था। और कल्पित अग्रवाल जो है ये किसी से भी नहीं पढ़ाया है, मतलब ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ गेट एकेडमी से पढ़ा है। तो कल्पित अग्रवाल के केस में ये बड़ा एक अच्छा फैक्टर है कि कई लोग जैसे शिवम सिंह के केस में बोलते थे कि आपके पास जब पढ़ता था तब तो 800 रैंक आया, जब वो MEDIGI गया तो AIR1 आया। तो इस बार हमारे लिए ये बड़ा अच्छा चीज़ है कि कल्पित अग्रवाल का AIR1 है और वो किसी से नहीं पढ़ा है गेट एकेडमी छोड़ के। हाँ, टेस्ट सीरीज सबकी ज्वाइन किया है इसलिए हो सकता है सब जगह उसका रैंक दिख रहा होगा। टेस्ट सीरीज मेरे वीडियोज़ में भी देखिए, आप वीडियोज़ जो आ चुका है गेट एकेडमी में उसमें भी आपको दिखेगा कि वो सभी का टेस्ट सीरीज लिया है क्योंकि वो एक अच्छा स्टूडेंट है, सभी का टेस्ट सीरीज दिया, गेट एकेडमी, एस एकेडमी, MEDIGI, सबका टेस्ट सीरीज दिया है। और टेस्ट सीरीज अगर आप किसी का देते हो तो आप उसका रैंक ले सकते हो, उसका रैंक छाप सकते हो, इसमें कुछ भी ऐसा गलत नहीं है। मेरे को लगता है कि ये कंसिडरेबल है, इसमें इस चीज़ को ऐसा गलत नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चलती रहती है कि उसका हर जगह रैंक आ रहा है। तो आप मेरा वीडियोज़ देखिए, उसमें आपको दिखेगा कि वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था उन लोगों का और कोई भी चीज़ नहीं लिया था और सिंपल गेट एकेडमी से पढ़ा था, 2 ईयर्स पढ़ा है गेट एकेडमी में, पहली क्लास उसकी कैसे स्टार्ट हुई थी, अपने कंसेप्ट कैसे बनाया था और किस वे में अपने प्रिपरेशन किया था, तो सब मेरे वीडियोस में है। और एस एकेडमी का भी टेस्ट सीरीज लिया था तो एस एकेडमी में भी वो दिख रहा होगा। सेम वैसे शिवम सिंह के केस में भी था कि स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे कि कहाँ का स्टूडेंट्स है, तो मैं पूरा क्लियर भी करता हूँ सब लोगों को, क्लियर इसलिए करता हूँ कि एक एस्पिरेंट जो फ्यूचर एस्पिरेंट है जो कि ये डिसाइड करने वाला है कि मेरे को क्या करना है, मेरे को कहाँ से कोचिंग करना है, मेरे को कहाँ का ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस करना है, तो कई बार वो बड़ा डाउटफुल हो जाता है, बड़ा डाउट में आ जाता है, फिर कोरा वगैरह में कोई कुछ लिख देता है। वैसे भी हम लोगों को डिसलाइक करने वाले लोग डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों हमसे लोग डरते या पता नहीं क्या फियर है, आई डोंट नो, तो डे बाय डे लोग बढ़ते जा रहे, तो इसलिए लोग बहुत सारे लोग कलेक्ट होते जा रहे हैं एक जगह पर जो हमको अपोज कर सके, सब लोग मिल के हमको अपोज करने का प्लान करते रहते हैं। अब तो मेरे को दिखता भी रहता है, कई लोग मेरे को भेजते भी रहते हैं कि सर मीम वगैरह बन रहा है आपके लिए, तो मेरे को लगता है कि ठीक है, एक फेमस पर्सनालिटी में बन गया हूँ, किसी के लिए मीम बन रहा है तो मतलब क्या ही बोल सकता हूँ मैं, जबकि मैं मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग 2800 वीडियोस हम प्रोवाइड किए, 2800 वीडियोस कौन ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता होगा, MEDIGI नहीं, एस एकेडमी नहीं, और अगर मैं बात करूं तो कोई वो दूसरा इंस्टीट्यूट तो ऐसा मेरे को दिखता नहीं है कि जो बड़े लेवल पे डील करता हो, ऑफलाइन की क्लासेस बड़े लेवल पे डील करता हो। कुछ और भी इंस्टीट्यूट होंगे जो नॉर्थ में कुछ अलग इंस्टीट्यूट होंगे, कुछ साउथ में अलग इंस्टीट्यूट होंगे, एक दो इंस्टीट्यूट और भी हैं, लेकिन वो लोग भी कभी वीडियोस प्रोवाइड नहीं किए। तो पहला हम लोगों को लगता है कि हमारा 3 सेंटर है, अलग बात है, लेकिन हम पूरा ऑफलाइन मैनेज करते हुए इतने सारे वीडियोस फ्री दिए। एक ऑफलाइन कोचिंग वाले डरते हैं कि अगर वीडियोस ज़्यादा दे देंगे तो कोई उनके पास नहीं आएगा, लेकिन ये जो थॉट था इसको मैं ब्रेक किया, मैं सोचा कि नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बहुत अच्छे हो तो अपना कंटेंट को दो
और लोग उस कंटेंट को देख के समझेंगे कि आप कितने बेहतरीन टाइप से डील करते हो। अभी लोग इतने सारे कंटेंट इसलिए नहीं देते, डरते हैं क्योंकि ज़्यादा कंटेंट देंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि कॉम्पिटिशन वे में क्या है। मैं तो बोलता हूँ कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मेडिजी को आ जाना चाहिए, एस एकेडमी को आ जाना चाहिए, बड़ा गुड कॉम्पिटिशन होगा कि हम कैसे डील करते हैं। अब तो पूरे इंडिया को पता है गेट एकेडमी सबका फेवरेट, जो गेट एकेडमी का जो कोर्स है पूरे ऑनलाइन दुनिया में सबका फेवरेट कोर्स है, सभी को पता है। तो वो आपको दिखेगा कि जब सब लोग आएंगे तो बड़ा बिग कंपटीशन होगा और बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग कंपटीशन होगा, ठीक है। तो जस्ट मैं इसलिए बताया कि देखो AIR 1 जो चार लोगों का लगा हुआ है, पूरी स्टोरी भी एक बार बता दिया, जो लोग भी नहीं जानते होंगे चारों की स्टोरी बता दिया कि अर्नब अधिकारी किसी का भी स्टूडेंट नहीं था, टेस्ट सीरीज हमारा और एस एकेडमी का था, इसलिए उसका मेडिजी में कभी नहीं दिख पाया आपको। रजत सोनी जो था वो मेडिजी का क्लासरूम स्टूडेंट था और हमारा टेस्ट सीरीज का स्टूडेंट था, इसलिए वो आया, उसमें उसका इंटरव्यू भी हमारे साथ है और वो पूरी बात रखा। हम लोग नॉर्मली बात करते, किसी को मैनिपुलेट नहीं करते, कि स्टूडेंट को पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, मैनिपुलेट करने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैं जिस जगह पे हूँ उस जगह से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर मैं जितना जितना फेयर रख सकूँ उतना फेयर रखूँ। मेरे को पता है कि बिजनेस मॉड्यूल है और आप लोग हमेशा AIR 1 का बहुत केयर करते हैं क्योंकि वो बड़ा डिस्कशन का पार्ट बन जाता है कि AIR 1 किसके पास से आया, डिस्कशन का पार्ट हो जाता है। तो इसलिए भी मेरे को लगता है कि इसलिए भी लोग AIR 1 के पीछे इतना पड़ते हैं कि AIR 1 एनी हाउ हमको चाहिए क्योंकि डिस्कशन का पार्ट होता है पूरे इंडिया में। बट वी आर लकी कि कल्पित अग्रवाल हमसे पढ़ा, वी आर लकी कि शिवम सिंह हमारे क्लासरूम में पढ़ा, वी आर लकी कि अर्नब अधिकारी हमारा टेस्ट सीरीज लिया था, वी आर लकी कि रजत सोनी हमारा टेस्ट सीरीज लिया था। तो ये बड़ा ये लक वाला फैक्टर है कि कौन कहाँ पे था। बट हमारे पास जो इतने सारे स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करते हैं वो नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो मास में जो नंबर होता है, जो नॉर्मल पब्लिक होती है जिनका वीडियोस या जिनके यूट्यूब वीडियोस नहीं बनते, लेकिन वो बड़े इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जिनका 1000 रैंक आया और जिनका कोई इंटरव्यू नहीं ले रहा है, जिनसे कोई पूछ नहीं रहा गाइडेंस, सब लोग AIR 1 2 लोगों से गाइडेंस पूछ रहे, टॉप 10 लोगों से गाइडेंस पूछ रहे। तो मैं उन पर बड़ा फोकस करता हूँ क्योंकि मैं रिप्रेजेंटेटिव उन लोगों का हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि मैं उन लोगों को अच्छा फील करता हूँ, उन लोगों को अच्छा जानता हूँ। मैं क्योंकि मेरा खुद 646 रैंक था तो मैं जानता हूँ इस बात को कि मैं उन लोगों से बड़ा अच्छा कनेक्ट कर पाता हूँ क्योंकि मैं उन लोगों की फीलिंग को जानता हूँ। तो ठीक है, AIR 1 1 1 1 1 4 1 हो गया, बोला 4 बार 1 हो गए अभी तक, ठीक है। EC EE EC EE इसी में हुआ है अभी तक, नहीं तो इलेक्ट्रिकल और EC मिला के ऐसा करके 4 बार 1 हो गया और बड़ा अच्छा फील होता है कि गेट अकेडमी बिग कंपटीशन का पार्ट बनते जा रही है डे बाय डे किसी के लिए भी। इसलिए भी हो सकता है डिसलाइकिंग मोड बढ़ रहा होगा हम लोगों के लिए, लोग देख रहे होंगे कि ये लोग अपना नेक्स्ट लेवल पे जा रहे पूरे इंडिया लेवल पे, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स पूरे इंडिया में स्प्रेड हो जा रहा है, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा ऑनलाइन कोर्स पढ़े। तो ये मे भी इसलिए भी लोग थोड़ा सा फियर रखते होंगे, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लोग अपना काम करें, लोग अपने वीडियोस अच्छे बनाएं, लोग चीट करने का प्लान ना करें, अपने ऑनेस्टी के साथ वर्क करें, रिजल्ट आपको मिलेगा। जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सब लोगों से बोलना चाहता हूँ कि ऑनेस्टी के साथ अपना वर्क करें। नई नीड है चीटिंग की कि हम किसी AIR 1 वालों को सोच रहे कि उसको कैसे भी करके हम अपने पास लेके कुछ भी बुलवा लें, नीड नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल मेरे को लगा कि चलो आप लोगों से बात करता हूँ, तो जस्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया। तो आप ऐसे इन्जॉय करते रहिए और ऐसे ही ऐसे गुड टेक्निकल अपने आप को मेंटेन करते रहिए, जितना हो सकेगा उतना हम आप लोगों के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।